हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके सामने आया हूँ एक इम्पॉर्टेंट और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर। और इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया है कि मैंने अपनी लास्ट विज़िट जो इंडस्ट्रियल विज़िट करी थी अलवर में, तो उसमें मैंने क्या-क्या चीज़ें देखी। और यही सेम चीज़ मैं आपके साथ भी इसलिए शेयर कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या-क्या चीज़ें आपको करने के लिए मिल सकती हैं। शॉर्ट वीडियो है, डिटेल्ड वीडियो नहीं है, एक छोटी सी वीडियो बनाई है ताकि जस्ट एक ओवरव्यू आप लोगों को मिल जाए। चलिए शुरुआत करते हैं। और ये हमारे भाई साहब बैठे हुए हैं। भाई साहब क्या हो गया? बताइए क्या हो गया, इतनी जल्दी क्यों आ जाते हो तुम? परेशान करने आपको परेशान कर दे रहा हूँ मैं ये हमेशा। हमारे सारथी हैं आज के, अच्छा वीडियो ये हमारे इससे सारथी हैं। टेक्निक और तुम्हारी बेटी भी बना रही थी व्लॉग, क्या रहा? रील हाँ, उसका क्या रहा? कुछ नहीं कुछ अभी, नहीं। नहीं मतलब उस पे ऑप्शन ही नहीं आ रहा। यूट्यूब जो चैनल खोला है उस पे हाँ क्रिएट का ऑप्शन आता है ना हाँ वीडियो हाँ का, वो नहीं बिल्कुल, आ रहा है। वो नहीं आ रहा है भाई। यूट्यूब वालों कुछ मदद करो, ऐसी बात नहीं है। चल मेरे को दिखाना कि मैं कुछ अगर मदद कर सकता हूँ, थोड़ा बहुत तो हम भी जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है ठीक बताओ है, भाई। सो फाइनली हम लोग स्टील प्लांट के अंदर आ चुके हैं और अब यहाँ पर आकर हम अपने काम को करेंगे। इसके बाद अभी आपको देखने के लिए मिलेगा कि स्टील प्लांट किस तरीके से काम करता है। तो ये जो स्टील प्लांट है, ये एक हॉट रोलिंग मिल है। और इस स्टील प्लांट के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि राइट साइड के अंदर एक फर्नेस लगी हुई है, और ये जो फर्नेस है ये बिलेट्स को रेड हॉट करती है। तो वो आप देखेंगे अभी, आपको राइट साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखिए, ये आपको दिख रहा होगा, मैंने जूम करके भी आपको दिखाया है। और सामने आप देखेंगे तो रोलिंग मिल अपना काम कर रही है, तो हॉट रोलिंग मिल जो है वो कंटिन्यूअसली वर्क कर रही है। ठीक है, यहाँ पर आपकी गाइड्स भी लगी हुई हैं अलग अलग तरीके की, और वहाँ देखा कि एक कंटिन्यूअसली गैस कटिंग भी चल रही है। तो ये गैस कटिंग ऑपरेशन है, तो गैस कटिंग एक बहुत ही डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है और इसको बहुत केयरफुली करने की ज़रूरत है। तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़े, और आगे बढ़ने के बाद हमने देखा कि रोलिंग मिल बिल्कुल प्रॉपरली वर्क कर रही थी और काफ़ी स्पीड में आपका जो स्टील बार है वो निकल रहा था। आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी सारे गाइड्स भी लगी हुई हैं। ठीक है, और उन गाइड्स के अंदर से आपका जो मिल है वो पास हो रहा था। यहाँ पर ग्राइंडिंग का वर्क भी चल रहा था, कुछ थोड़ा सा ग्राइंडिंग वर्क भी हुआ है। और बराबर में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको लेथ मशीन भी देखने के लिए मिलेगी। तो लेथ मशीन के अंदर भी हमने देखा कि कंटिन्यूअसली टर्निंग वर्क चल रहा था। वैसे तो लेथ मशीन को हम यूनिवर्सल मशीन भी कहते हैं क्योंकि इसमें हर तरीके के ऑपरेशन हम कर सकते हैं। तो ये एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि मैकेनिकल की जननी है। तो यहाँ पर एक एक चीज़ के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। उसके बाद फिर शाम को हो गए और शाम को हमने अपना डिनर किया, और डिनर करने के बाद वापस अपने घर के लिए निकल गए।